हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्वेरी आज अपने एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और इसमें हम एक ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और आज के इस ट्रिक किस बारे में है, हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आप थंबनेल देख के आपको पता ही चल जा चुका होगा। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं खरीफ की फसल। आपको पता है कि हमारे भारत में दो प्रकार की फसल होती हैं, एक खरीफ और एक रवि। तो आज हम खरीफ की फसल को नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रावी की फसल। मतलब रावी में, रावी सीज़न जो होता है, रावी जो सीज़न होता है, उसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, कभी मिक्स कर देते हैं खरीफ को रावी में कर देते हैं, कभी रावी को खरीफ में कर देते हैं। बट आज की इस ट्रिक से अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो हमेशा के लिए आपका डाउट दूर होने वाला है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज एक ही चीज़ चाहता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी ट्रिक क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं रावी की फसलें। रावी सीज़न में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उसका ट्रिक है आज सच में राई में गेम खेला। आप चाहे राई में कर सकते हो या फिर राई ने भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप राई में या राई ने भी कर सकते हो, क्लियर हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, मैं लिखते हो या फिर आप ने लिखते हो। तो राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला। तो अब एक एक वर्ड को देख लेते हैं। आ से मतलब हुआ आलू, ठीक है, जो कि रवि सीज़न की फसल है। रावी सीज़न में ही हम क्या करते हैं, रावी मौसम में ही आलू उगाते हैं, ठीक है। ज से हो गया जौ, ठीक है। सा से हो गया सरसों। चा से हो गया चना। और राई, राई का मतलब आपको सबको पता है राई, ठीक है ना, जिससे तेल बनते हैं, ठीक है ना। गे से गेहूं, जिसके रोटी बनती है, ठीक है, जिसका आटा बनता है। और माँ से हो गया मटर, क्लियर हो गया। तो आज सच में राई ने गेम खेला। तो आज मतलब आस मतलब आलू, जा मतलब जौ, सा मतलब सरसों, चा मतलब चना, ठीक है ना, चना। और राई मतलब राई, और फिर गे मतलब गेहूँ, और माँ मतलब मटर। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए धन्यवाद। अब अगली ट्रिक हम लेके आएंगे जिसमें हम खरीफ की फसलों की ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ।